देश के नेता शरद चंद्र पवार साहब ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का कोई निर्णय नहीं लिया। जो दावा वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल जी कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार का कोई तथ्य नहीं है। पूरी तरह से बेबुनियाद दावा है कि पवार साहब 50% एग्री थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमें जाना चाहिए। इस दावे में किसी प्रकार का कोई तथ्य नहीं, तथ्यहीन पूरी तरह से दावा है। शरद चंद्र पवार साहब ने अपने नेताओं की सिर्फ बात सुनी, अजीत पवार जी की बात सुनी, प्रफुल्ल पटेल जी की बात सुनी, वलसे पाटिल साहब की बात सुनी, भुजबल साहब की बात सुनी, मुशरिफ साहब की बात सुनी, लेकिन किसी भी प्रकार का भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का निर्णय नहीं लिया। पूरी तरह से उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया, यह सत्य है। आज प्रफुल्ल पटेल साहब एक बयान देकर लोगों के बीच में संभ्रम निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। देश जानता है, महाराष्ट्र जानता है कि जितने लोगों ने मतलब एनसीपी से टूटकर जो नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े वो किसी व्यक्तिगत और निजी कारणों के साथ जुड़े, ना उसमें किसी प्रकार का महाराष्ट्र का हित शामिल था। वो जुड़े इसलिए क्योंकि शायद उनके कुछ केसेस थे जिनको पूर्ण विराम मिलना जरूरी था, और आपने देखा है कि कुछ हफ्तों पहले कुछ केसेस में इस प्रकार का पूर्ण विराम भी मिल चुका है, और यही कारण है कि शायद भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने में कुछ लोगों को सहूलियत लग रही थी और पवार साहब पे वो प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहिए। लेकिन पवार साहब ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से एतराज दिखाया, पूरी तरह से 100% इस प्रस्ताव को उन्होंने बाहर फेंक दिया।